जय हिंद दोस्तों। भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निकली हुई है जिसमें कि एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई कर सकते हैं और सर्विस कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, रिटायर होने वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th पास इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है और एक्स सर्विसमैन भी 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो वैकेंसी निकली हुई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। भारतीय डाक विभाग ने वैकेंसी निकाली हुई है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है, ऑर्डिनरी ग्रेड की। टोटल पोस्ट 28 वैकेंसी है, इसमें 28 वैकेंसी दी हुई है। इसमें मेल, फीमेल, SC ST, OBC, एक्स सर्विसमैन और जो डिपार्टमेंट भारतीय डाक विभाग के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें नॉन गजेटेड की वैकेंसी है, मेल मोटर सर्विस कोलकाता की तरफ से है, भारतीय डाक विभाग ने निकाली हुई है। इसमें डिप्टेशन बेसिक पर है और री एम्प्लॉयमेंट यानी कि आर्मर्ड फोर्स पर्सनल री एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वैकेंसी है। अब अब्सॉर्प्शन के तौर पर भी वैकेंसी रहेगी। तो बता दें कि जो नौकरी कर रहे हैं चाहे डिपार्टमेंट के हों, भारतीय डाक विभाग के हों या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, वो भी नौकरी करने वाले भी इसमें री एम्प्लॉयमेंट यानी कि अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन भी कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए पूरी डिटेल सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इसमें डिस्पैच राइडर के पदों पर भर्ती है जिसमें ग्रुप सी की पे लेवल 1 मिलेगा और ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, कंपलसरी है जो भी इसमें अप्लाई कर रहे हैं। इसमें जो टेस्ट होगा ट्रेड टेस्ट होगा, इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो दो तरह के टेस्ट होंगे। इसमें ड्राइविंग करना आना चाहिए आपके पास और लाइसेंस होना जरूरी है। डिस्पैच राइडर के लिए फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो मैं आगे बताऊंगा, पहले इसके बेसिक डिटेल देख लेते हैं क्योंकि कई लोग इसमें बेसिक डिटेल में समझ नहीं पाते क्या इसमें लिखा है क्या बोला गया है। तो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, मोटर मैकेनिक यानी कि हल्का फुल्का माइनर डिफेक्ट आपको गाड़ी के सही करने आने चाहिए, लास्ट 3 ईयर का 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए आर्मर्ड फोर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। तो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटेड आर्मर्ड फोर्स यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के री एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं चाहे नौकरी कर रहे हो या रिटायर हो गए हो। पे लेवल 2 मिलेगा इसमें जो आर्मी से रिटायर हैं क्योंकि उनको रिवाइज पे स्केल के हिसाब से मिलेगा। 19,000 से 63,200 रुपये सैलरी रहेगी, रेगुलर बेसिस पे इनकी जॉब रहेगी। एज लिमिट की बात कर लें, जो एज लिमिट चाहिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, चाहे JCO हो चाहे OR हो। तो JCO भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कई JCO साहब ने कमेंट किया था कि सर JCO का भी बताना, तो 56 ईयर्स वाले JCO अप्लाई कर सकते हैं, 56 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पीरियड ऑफ डिप्टेशन तो 2 साल का आपका इसमें डिप्टेशन पीरियड होगा, इसके बाद परमानेंट की जाएगी। तो मैक्सिमम 3 साल आप डिप्टेशन पे रह सकते हैं, इसके बाद परमानेंट जॉब आपको करनी होगी। तो डिप्टेशन के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। रिजर्वेशन फॉर SC ST का कोई प्रोविजन नहीं है, SC ST का रिजर्वेशन का। ये जॉब सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं के लिए है। तो एक्स सर्विसमैन और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए है, तो ध्यान रखें। पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 साल का रहेगा, 2 साल के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। तो 2 साल आपको डिप्टेशन यानी कि प्रोबेशन कैडर के तौर पर काम करना पड़ेगा। इसके बाद जिसमें जो डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने हैं वो 5 आपको डॉक्यूमेंट का, जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ACR होना जरूरी है 5 साल का, 2015-16 से 2019-20 तक का। तो ACR लगाना उनको जरूरी रहेगा, लेकिन एक सर्विसमैन को कोई ACR की देने की जरूरत नहीं है। इस एड्रेस पे फॉर्म भेजना है। फॉर्म कैसे भरा जाएगा वो भी बता देते हैं। किसी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी। और जॉब लोकेशन बता दें, ये कोलकाता जॉब लोकेशन है, कोलकाता में जॉब लोकेशन है, एड्रेस है फॉर्म भेजने का। द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस 139 बेलाघाट रोड कोलकाता, ये रहेगा जो एड्रेस इसमें जिसमें फॉर्म भेजेंगे। तो फॉर्म कैसे भरेंगे तो वो देख लेते हैं। तो जो पोस्ट दी है परफार्मा ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टाफ कार ड्राइवर, डिप्टेशन बेस पे अगर आप भरना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करना है।
ऑब्जर्वेशन पे इस पे करना है, री एम्प्लॉयमेंट यानी परमानेंट बेसिस पर इस पे क्लिक करना है। तो जिसमें परमानेंट भरना चाहते हैं परमानेंट पे इस पे क्लिक करके आपको भेजना है। इसके बाद नेम, अपना नाम डालना, पोस्टल एड्रेस के साथ इधर पूरा नाम होना चाहिए, जो पोस्टल एड्रेस है पूरा इसमें नाम आना चाहिए, लास्ट तक आपका आ जाना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है इसमें, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ रिटायरमेंट, कब रिटायरमेंट हुए हैं या होने वाले हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पूरी डालनी है, कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसकी संबंधित डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे, संबंधित डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगानी है। इसके बाद आप कोई दूसरी जॉब कर रहे हैं, अगर रिटायर हो गए हैं या रिटायर होने वाले हैं, तो उसका भी एड्रेस देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट कौन सा है, किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन को ये खाली भी रख सकते हैं, क्योंकि इनको अगर जॉब नहीं मिली तो ये खाली ही रखें, वही ठीक रहेगा। डू यू प्रोसेस 3 ईयर्स का, आपको 3 ईयर्स का उसमें लिखना पड़ेगा। रेगुलर बेसिस पर पे लेवल 1 पर कितना 3 साल का एक्सपीरियंस है वो लिखना है इसमें। नेम, कौन सी पोस्ट होल्ड की है आपने, ड्राइवर रहे हैं या कोई क्लर्क रहे हैं, वो आपको इसमें होल्ड का लिखना है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर इसमें लिखना है, और कॉपी उसकी साथ में भेजनी है। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक, थोड़ा बहुत आपको माइनर इफेक्ट अगर आ गया है तो उसको सही करने का आपको नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट का, एक्सपीरियंस कब से कब तक है उसकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको देनी है। अगर जो जॉब कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यूनिट से बनवा के दे सकते हैं, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है अगर वो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको मिलती है वो लगाएंगे इसमें। इसके बाद 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस की सर्टिफिकेट अगर लगा दी तो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस उसी में हो जाएगा। अगर होमगार्ड है, सिविल वॉलंटियर कोई अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उनको भी देनी पड़ेगी। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर जो कोई जॉब कर रहे हैं, किस लेवल पर जॉब कर रहे थे वो लिखना पड़ेगा, किस ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी से हैं तो आर्मी लिखना है, पोस्ट ऑफिस से थे तो पोस्ट ऑफिस लिखनी है, एयरफोर्स से है तो एयरफोर्स लिखना है। इसके बाद पोस्ट हेल्ड, कौन सी पोस्ट हेल्ड की थी, विद पे स्केल, किस पे स्केल पर थे तो वो आपको पे स्केल लिखनी है। आप पुरानी अपनी मार्कशीट, पुरानी पे स्लिप में देख सकते हैं। पीरियड ऑफ सर्विस, कब से कब तक सर्विस की है वो लिखना है इसमें। इसके बाद बेसिक पे, आपको पुराना वाला प्री रिवाइज आपको लिखना है। बैंड पे कितना था पहले का, बेसिक पे कितना है, ग्रेड पे कितना। अगर ये नहीं लिख रहे हो तो तब भी चलेगा, लेकिन ये आपको कॉलम भरना है जो बेसिक पे रिवाइज होके आपको आया है, ये आपको लिखना है किस पे लेवल में आप जॉब कर रहे हैं। जब आप पे स्लिप देखेंगे उसमें लेवल लिखा होता है, पे लेवल 3, पे लेवल 4, पे लेवल 5, तो जेसीओ है तो पे लेवल 7 तक भी होता है, तो वो आपको पे लेवल लिखना है और इसके बाद बेसिक पे इधर लिखनी है, क्योंकि ये फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, किस अपॉइंटमेंट पे थे वो लिख देना है, आपने क्या काम कर रहे थे, तो ये इसमें भरना जरूरी है, ये सही सही भरना चाहिए। इसके बाद प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट अगर कोई है वो लिखना है, टेम्परेरी और परमानेंट है वो लिख देना है, कर रहे हो तो लिखना है, नहीं तो वो छोड़ देना है। डिप्टेशन स्टेट, अगर कोई डिप्टेशन पे नौकरी कर रहे हैं तो वो डिप्टेशन लिख देना, नहीं तो ये भी छोड़ देना है। डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट भी अगर कर रहे हैं तो तभी लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है। पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तभी लिखना है, नहीं तो छोड़ देना है। इसके बाद प्रेजेंट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो जिसमें कर रहे हैं नौकरी, अगर नौकरी कर रहे हैं वो वाले हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, आर्मी से हैं, एयरफोर्स से, नेवी से। अगर जो रिटायर हो गए हैं उनको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ये खाली रखना है। आर यू रिवाइज पे स्केल, आप रिवाइज पे स्केल पर थे तो, अगर रिवाइज पर थे तो भरना है, नहीं तो खाली रखना है। इसमें रिवाइज का डिटेल डालना है, अगर नहीं डालना है तो ये खाली भी रख सकते हैं, कोई ये कंपलसरी देना नहीं है। इसके बाद पर मंथ जो सैलरी ले रहे थे वो आपको इसमें डालनी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट से हैं वो आपको जरूर डालनी है, क्योंकि उसी के आधार पर आपको नई सैलरी इसमें दी जाएगी, तो आपको वो डालनी है। एक लेवल कम करके आपको दी जाएगी, तो जो आप लेवल ले रहे हैं सैलरी वो आपको जो ड्रॉ की है वो डालनी है। इसके बाद इसमें आपको एड्रेस अथॉरिटी लिखना है और टेलीफोन लिखना है, फुल एड्रेस लिखना है जिस अथॉरिटी में आप ले रहे थे वो लिखना है, SC ST है तो वो लिख देना है। इसके बाद मेन चीज आ जाती है, इसमें आपको सिग्नेचर करने हैं। इसके बाद नेम ऑफ द ऑफिस, ऑफिस का नाम लिखना है, ये क्योंकि डिप्टेशन का आपको पूरा एड्रेस दे रहा है, डिटेल दे रहा है, तो इसमें आपको पूरा देना है अपनी ऑफिस का नाम।
अगर रिटायर सैनिक हैं तो वो जिला सैनिक बोर्ड से अपना ऑफिस का नाम लिखाएंगे और इसमें स्टाम्प मोहर भी लगवाएंगे, एड्रेस भी लिखाएंगे, स्टाम्प भी होना चाहिए। इसके बाद एक सर्टिफिकेट और देनी पड़ती है, सर्टिफिकेट गिवन बाय अथॉरिटी सिग्नेचर बाय द प्रेजेंट ऑफिस, जिस ऑफिस में यानी कि जो सर्विस कर रहे हैं तो अपनी यूनिट का करेंगे, नहीं तो आप इसमें एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन की जिला सैनिक बोर्ड से इसमें साइन किया हुआ होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट आपको देनी है। इसके बाद एक ये तीसरी सर्टिफिकेट है, तीन सर्टिफिकेट, तीन फार्म है, तीनों फार्म में आपको इसमें अपना डाल देना है नेम, और इसमें नेम डाल डाल देना है, इसमें सर्टिफिकेट दैट पार्टिकुलर बाई ये अपना यूनिट डालनी है, नहीं तो जिला सैनिक बोर्ड का नाम डाल देना है। इसके बाद सिग्नेचर होगा उनका, जिला सैनिक बोर्ड का, इसमें नाम होगा, ईमेल आईडी भी लिखी होनी चाहिए, ऑफिस सील भी होनी चाहिए, तो ध्यान रखें ये आपको भर के देना है। इसके बाद इसमें जो डॉक्यूमेंट आप देंगे उनके नाम भी लिखने, क्या क्या आप उसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोटो कॉपी वो देनी है। तो 6, 7, 8 जितने भी हैं सारे डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से लेके सारी सर्टिफिकेट आपको लगानी है, जो इसमें पहले ही दे दिया है क्या क्या आपको देना है वो लगा देना है। तो ये वीडियो था, कलकत्ता के कई एक्स सर्विसमैन ने कमेंट किया था कि सर वीडियो बनाना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो कलकत्ता के मिलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद।